हेलो गाइस, मैं संजय। वेलकम टू माय चैनल मैकेटिक साइंस। आज हम लोग बात करेंगे एक सीरियस इरर के बारे में, जिस इरर आप फेस करते हो बहुत सारे गेम को जब ओपन करते हो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को जब ओपन करते हो, ऐसा इरर आप फेस करते हो। बट इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट की ज़रूरत है। आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो इस इरर का, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट फाइंड 800x600x32 वीडियो मोड। इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब है आपका जो कंप्यूटर का रिजोल्यूशन है, वो कंप्यूटर का रिजोल्यूशन इस रिजोल्यूशन से मैच नहीं करता। तो आपका जो कस्टम रिजोल्यूशन है वो 800x632 के नीचे है, तो इसको आपको सबसे पहले सेट करना है। तो इसको सेट करने के बाद आपका जो गेम है और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको आप रन कर सकते हो। 800 के मतलब है आपका जो रिजोल्यूशन का विड्थ है वो विड्थ होना चाहिए 800, उसके बाद 600 उसका हाइट होना चाहिए एंड 32 उसका रिफ्रेश रेट होना चाहिए। तो आप कैसे इसको फिक्स करोगे और सॉल्व करोगे, ये 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, तो देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, ब्लैंक पोर्शन पे राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा ग्राफिक्स प्रॉपर्टी पे। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा एक पैनल आपके सामने इंटेल का खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है कस्टम रिजोल्यूशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो वार्निंग चाह रहा है यहाँ पे आप यस क्लिक कर दीजिए। यस क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप विड्थ दे दीजिए जो है मेरा 800, उसके बाद है हाइट जो है मेरा 600, यहाँ पे जो है रिफ्रेश रेट, ये जो रिफ्रेश रेट है ये 32, 38 और 42, 45 ऐसा रेट नहीं लेता है। यहाँ पे आपको एक 60 और 80 और 30, 40 ऐसा आपको रिजोल्यूशन देना होगा, ऐसा डिजिट का रिजोल्यूशन आपको देना होगा जो यहाँ पे लेता है। तो मैं यहाँ पे 40 और 60 आप दे सकते हो, मैं यहाँ पे 60 दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड जो है वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए यस। उसके बाद आपको आपका जो रिजोल्यूशन कस्टम रिजोल्यूशन वो सेट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इससे निकल जाइए। इसके निकल जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उस सॉफ्टवेयर और उस गेम को आप चालू कर दीजिए। चालू करने के साथ आपका जो गेम वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गेम ऑटोमेटिकली चालू हो गया। आप ऐसे इस इरर को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसा टेक्नोलॉजी के टाइप का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, उसके साथ साथ मैं मैकेनिकल एंड साइंस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लाता रहता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।